आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? यूपी पुलिस कांस्टेबल में 60,244 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि क्या दीदी हमारा पेड बैच लेने से सिलेक्शन हो जाएगा और क्या एग्जाम 11 फरवरी 2024 में ही होगा। तो आज मैं आप लोगों के ये डाउट क्लियर कर दूंगी। बहुत सारे विद्यार्थी पेड बैच खरीदते हैं लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन सिर्फ उसी का होता है जो खुद की स्ट्रेटेजी बनाता है और स्वयं के नोट्स बनाता है, उनका बार बार रिवीजन करता है। ऐसे लास्ट टाइम पे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो लाखों की संख्या में लोग देखते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन जितनी वैकेंसी होती है उतने ही लोगों का होता है, और जिनका सिलेक्शन होता है वो स्वयं की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, दूसरों की स्ट्रेटेजी पर काम नहीं करते हैं वो लोग। तो पेड बैच लेने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, स्वयं तैयारी करने से सिलेक्शन होता है। पेड बैच में लगभग 10 से 12 घंटा डेली आपको लाइव क्लास लगाए देंगे, डेली लाइव क्लास चलाएंगे, और 10 से 12 घंटे अगर आप लाइव क्लास ले लोगे तो सेल्फ स्टडी कब करोगे? और वीडियो देखने से किसी का सिलेक्शन होता नहीं है, आपका टाइम बर्बाद जाएगा 10 से 12 घंटे। तो अगर आप पेड बैच लेते हैं तो PDF से पढ़िए, और लाइव क्लास ना लीजिए पेड बैच की, या फिर YouTube से भी पढ़ते हैं तो लाइव क्लास ना लीजिए, उसको ऑफलाइन बाद में ले लीजिए, और 2x की स्पीड पर देख लीजिए। आप जो आपको आता है उसे नोट डाउन मत कीजिए, जो नहीं आता उसको कॉपी में नोट डाउन करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, और रिवीजन करने से सिलेक्शन होगा, वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि बार बार रिवीजन करिए, आपकी सफलता की कुंजी है रिवीजन, वीडियो देखना आपकी सफलता की कुंजी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि दीदी सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है या नहीं? तो सेल्फ स्टडी से 100% सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप डेली 6 से 7 घंटे पढ़ते थे तो आप टाइम बढ़ाइए पढ़ने का, डेली 10 से 12 घंटे पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ये टीचर भी तो बुक से पढ़ाते हैं, तो बुक से पढ़िए, जो प्रॉपर बुक्स हैं, मैंने एक वीडियो बनाई है बुक्स की प्रॉपर, जिनसे मैं पढ़ी थी उनसे आप भी पढ़िए। बाकी जो इंपॉर्टेंट जो आपको चैप्टर नहीं आता उसका आप ऑनलाइन देख लीजिए यूट्यूब से वीडियो। बाकी कोर्स वगैरह खरीदने की कोई इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइव क्लास लेने की अपेक्षा आप 2x की स्पीड में बाद में क्लास ले लीजिए, इससे आपका टाइम बचेगा और आप अदर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप 11 फरवरी मान के ही तैयारी करिए, तब भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और जो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो जिन्होंने समझ लिया कि 11 फरवरी को एग्जाम है, अब हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी, अब हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, तो ऐसे विद्यार्थियों का सच में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अपने अंदर एक जोश भरी भरिए, उत्साह भरिए कि 11 फरवरी को हो या फिर 11 जनवरी को एग्जाम हो, हमें तैयारी करनी है और एक सीट लेनी है। अगर आपके अंदर जुनून है तो आपको एक सीट लेने से कोई रोक नहीं सकता है, 1-1.5 महीने में काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। रीजनिंग मैथ्स और हिंदी पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए, GS पे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हें पढ़ लीजिए, जैसे करंट अफेयर्स है, संविधान है और UPGK है, ज़्यादा इधर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसे मैं बता रही हूँ, अगर वैसे आप तैयारी करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ज़्यादा फालतू की वीडियो ना देखिए इधर उधर, अपने अंदर एक जोश भरिए, ये 1 से 1.5 महीना आपका भविष्य निर्धारित करेगा। तो अगर आपको भविष्य बनाना है, एक सीट लेनी है, तो आपको प्रॉपर मेहनत करनी होगी और सेल्फ स्टडी करनी होगी। ये वीडियो आपके दिमाग में घोल के नहीं डाल देगा कि ये टॉपिक और ये सब्जेक्ट आपके दिमाग में घुसा दे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा स्वयं, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। तो वीडियो देखने की अपेक्षा आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। और आप बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल था कि दीदी 11 फरवरी को एग्जाम होगा या नहीं होगा, 11 फरवरी 2024। तो मैं आप लोगों को बता दूं, 11 फरवरी 2024 को RORO का एग्जाम है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्कूल नहीं है कि जिसमें RORO और यूपी पुलिस का एक साथ एग्जाम करा सकें। तो जहाँ तक है फरवरी लास्ट तक आपका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि भर्ती बोर्ड भी बहुत ज़्यादा तेजी में है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए अगर फरवरी तक एग्जाम नहीं हुआ फिर उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, फिर आपका इलेक्शन के बाद ही एग्जाम हो जाए होगा। लेकिन आपको 11 फरवरी मान के ही तैयारी करनी है, और 1 से 1.5 महीने में आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मैं भी 1 से 1.5 महीने, मैंने 49,568 में तैयारी की थी, और 41,520 से मात्र 3 महीने कोचिंग की थी, और मेरा सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट में हुआ था। तो 1 महीने में भी आपकी तैयारी हो सकती है, अच्छी अच्छे से पढ़िए और छोटे छोटे टारगेट फिक्स करिए।
कि हमें ये चैप्टर और ये सब्जेक्ट 10 दिन में ख़त्म करना है। जैसे आपकी आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी है, आप एक टारगेट रख लीजिए कि 10 दिन में ख़त्म करनी है, तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको 10 दिन में ख़त्म करनी है। इस प्रकार छोटे छोटे टारगेट बनाइए, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और आप अकेले नहीं है जिसके लिए कम टाइम है, सभी विद्यार्थी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देंगे सभी के लिए कम टाइम है। तो अपने मन में ये भाव निकाल दीजिए कि कम टाइम है, कम टाइम में भी बहुत कुछ हो सकता है। तो निरंतर मेहनत करते रहिए और 11 फरवरी मान के ही अपनी तैयारी करिए। जय हिंद।